एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह का मैं ये तुलसी माता के दर्शन से आप लोगों का दिन शुरू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत बस ऐसे ही होती है। तो यहाँ ये देखिए हमारे मिट्ठू मियाँ हैं जो बाहर सुबह का मॉर्निंग का व्यू ले रहे हैं और मिले मेरे राधा कृष्ण से, जो मेरे मतलब कि बहुत ही प्रिय मेरे इष्ट देवता हैं जिन्हें मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो आगे का व्यू मेरा करूँ का बस ये था। मैंने यहाँ पे झाड़ू पोछा साफ सफाई डस्टिंग वगैरह सारा कर लिया है और यहाँ पे बज रहा है इस टाइम 6:30 बजे। मैं नहा धो के मंदिर में आ गई थी। और गाय सभी लोगों ने मुझसे कई बार इस बात को कहा था कि मैं मतलब अपने मंदिर का व्यू और पूजा रूटीन का व्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ये रिक्वेस्ट मेरे पास कई बार आ चुका था बट मैं ऐसा दिखा नहीं पा रही थी आप लोगों को। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं इसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर ही देती हूँ। अब चूँकि आज है थर्सडे, तो थर्सडे के दिन मैं लड्डू गोपाल को खूब अच्छे से स्नान वगैरह करवाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने लड्डू गोपाल से अच्छे से मिलवाती हूँ, क्योंकि बहुत लोग हैं जो मेरे लड्डू गोपाल को बहुत प्यार करते हैं। और यकीन मानिए, आप लोगों का प्यार देख के मेरी आँखें भर आती हैं, मेरा दिल भर आता है कि मैं अकेली नहीं, मेरे जैसे और मुझसे बड़े बड़े बहुत से भक्त हैं जो कन्हैया जी को दिल में बिठाए हुए हैं। तो बस मैं इसी कामना के साथ अपना ये आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो गाइज ऐसा है कि मैं शुरुआत बस ऐसे ही कर रही हूँ। तो अभी ये देखिए मैंने लड्डू गोपाल को ऐसे ही बिठा रखा है, पूरे बॉडी में मैंने इनके पीले चंदन का लेप लगा के रखा है। अब चूँकि गर्मियाँ यहाँ बहुत अधिक हो रही हैं, इतनी अधिक गर्मी है कि गर्मी सहा नहीं जा रहा है, तो खुद से जब बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो कन्हैया जी कैसे मोटे वस्त्र पहनेंगे। पतले वस्त्र भी हैं बट फिर भी वो गर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमने उनको चंदन का लेप लगा के लगाना है मुझे। तो बस उसी लेप में मैं थोड़ा सा गंगा जल डाल रही थी जिससे कि उनको मतलब मैं लेप लगा सकूं। तो पहले मैं बाकी भगवान जी यानी शुरुआत मैं श्री गणेश लक्ष्मी जी से करती हूँ और फिर उसके बाद बाकी भगवान जी को मानसिक स्नान करवाते हुए उन लोगों का आवाहन करती हूँ और उन लोगों को सुप्रभात बोलती हूँ। और फिर ये देखिए मैंने कन्हैया जी के सारे वस्त्र हटा दिए हैं, सारे वस्त्र और जो माला वगैरह ये पहने हुए हैं वो सभी हमने हटा दिया है। अब चूँकि मंदिर हमारा बहुत छोटा है तो इस वजह से मैं बहुत अधिक नहीं कर पाती हूँ। दिल लेकिन बहुत बड़ा है, भाव बहुत बड़ा है, इच्छा बहुत बड़ी है कन्हैया जी अब आगे जाने की कैसे क्या करना है। तो ये शिवलिंग है, शिवलिंग मैं यहाँ इसे मैं काशी विश्वनाथ यानी बनारस से मैं लेकर आई थी और मतलब इनको भी बहुत आस्था से मतलब मैं यहाँ स्नान करवा रही हूँ और फिर चंदन का लेप लगा रही हूँ। और शिवलिंग जहाँ रखते हैं वो किसी बर्तन में ही रखते हैं और उसमें कोई मतलब प्रतिदिन मैं साफ जल भर के ही रखती हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि शिवलिंग बगैर पानी के नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ दूध भी अभी अभी जस्ट आया है ग्वाला मेरा लेके, तो मैं कन्हैया जी को यहाँ दूध से स्नान करवाने जा रही हूँ। चूँकि मैं लड्डू गोपाल और भोले बाबा को दूध से स्नान करवाती हूँ, तो यहाँ शंख में हमने दूध लिया है और श्री ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करते हुए मैं कन्हैया जी को स्नान करवा रही हूँ। फिर उसके बाद मैं इनको गंगा जल से स्नान करवाऊँगी। तो बस आप ये देखिए हमने स्नान करवा लिया है और एक छोटा सा बास्केट हमने रखा है जिसमें रोज़ के पूजा का सामान हम ऐसे ही रखते हैं। और ये छोटा सा रुमाल हमने निकाला है पीले कलर का, उससे मैं अच्छे से धीरे धीरे मुलायम हाथों से टैप करते हुए कन्हैया जी को अच्छे से पोंछ लूँगी। और फिर उसके बाद ये देखिए हमने चंदन पूरी बॉडी में लगा दिया है जिससे इनको शीतलता मिलती रहे, इनको आराम मिलता रहे। तो ये देखिए हमने चंदन भी अच्छे से लगा दिया है, तो बस इन्हें मैं वस्त्र नहीं पहनाऊंगी। अब चूँकि मेरे कन्हैया जी इतने छोटे से हैं, इतने नन्हे से और इतने प्यारे से हैं कि मैं क्या बताऊँ, इनके नाप का वस्त्र और लंगोटी मुझे जल्दी मिलता नहीं है। तो बस मैंने पीले वस्त्र जो नए कपड़े थे उन्हीं को मैंने इनकी लंगोटी बना रखी है। तो ये आप देखो मेरे लड्डू गोपाल मेरे कान्हा तैयार हो गए हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, जो आप लोग कई बार आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है मेरे मंदिर का व्यू के लिए और मेरे कन्हैया जी से मिलने के लिए, तो आज मैं अच्छे से आप लोगों को मिलवा रही हूँ। तो आप लोग लड्डू गोपाल के दर्शन कर लीजिए और मेरे मंदिर का पूरा व्यू भी आप लोग देख लीजिए। अगर इसमें कोई सुझाव हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिएगा, कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि और मैं इसे बेहतर बनाने के लिए क्या करूँ। अब चूँकि मैं ये चाहती थी, मैं ये सोच रही थी कि मैं थोड़ा सा चेंजिंग करना चाह रही थी डेकोरेशन में, बट लॉकडाउन की वजह से सारा काम सारी चीज़ें सारी प्लानिंग मेरी गड़बड़ हो गई थी। तो लड्डू गोपाल को मैंने अपने स्थान पे आसन दे दिया है, वो विराजमान हो गए हैं। तो अब मैं यहाँ पे भोग लगाऊंगी, भोग मैं जो भी घर पे रहता है उसी के हिसाब से भोग लगा लेती हूँ। आज पौधों में जितना फूल हुआ था बस मैं उसे ही
समर्पित कर रही हूँ भगवान जी को। तो यहाँ वन बाई वन मैं सारे स्टेप, जैसे मैं रोज़ डेली पूजा करती हूँ, तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब चूँकि थोड़ा सा मैंने यहाँ पे एडिटिंग करके हटा दिया है, क्योंकि बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता तो शायद किसी को अच्छा नहीं भी लगता, क्योंकि हर कोई, मतलब क्या मैं बोलूँ, आप लोग समझ सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा, अब आज है बृहस्पतिवार, तो मैं गुरुवार का व्रत कथा पुस्तक भी यहाँ पढ़ती हूँ प्रतिदिन, यहीं पर ऐसे ही इसी टाइम में मैं पढ़ लेती हूँ। 7 बजे तक मेरा पूजा होके हो, मतलब फिनिश हो जाता है। तो ये मिठाई का डिब्बा कुछ मेरे, मतलब लाए थे घर के नाश्ते के लिए, तो इसे भी मैं एक एक करके भगवान जी को भोग लगा देती हूँ। और साथ में हम रखेंगे यहाँ तुलसी दल, बगैर तुलसी दल के लड्डू गोपाल और श्रीहरि का भोग पूर्ण नहीं होता है। तो बस मैं तुलसी दल भी प्रतिदिन यहाँ रखती हूँ, और बालाजी के पास भी मैं रखती हूँ, बालाजी यानी राम भक्त हनुमान जी, तो इनके पास तुलसी दल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं श्रद्धा से और पूरी आस्था और पूरे विश्वास के साथ, मतलब इस कामना के साथ कि शायद हमारी भक्ति सच्ची हो, तो कन्हैया जी या बाकी भगवान जी हमारे भोग को स्वीकार करें। और ये मतलब एक धूप बत्ती है जिसका सुगंध बहुत अच्छा होता है, मुझे ये धूप बत्ती बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं इसी को डेली जलाती हूँ। मैं दीपक इस टाइम सुबह के टाइम नहीं जलाती, क्योंकि गर्मी इतनी अधिक है कि मुझे ये फील होता है, मुझे ये भाव आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि दीपक के लौ से भी भगवान जी को मतलब गर्मी का एहसास हो। तो बस इसीलिए मैं यहाँ धूप बत्ती जलाती हूँ, और धूप बत्ती का सुगंध बहुत अच्छा है। जितनी देर तक ये जलता है, उसके 2 घंटे बाद भी इसमें अच्छी खुशबू, अच्छा सुगंध बना रहता है, तो इसीलिए मैं इसे यूज करती हूँ। और आप लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये भी मुझे बताइएगा। और मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ कि हमारे मंदिर का डेकोरेशन आप लोगों को पसंद आया। और भगवान पे जो भी आस्था रखते हैं, वो तो भगवान के भक्त होते ही हैं, भगवान को पसंद करते ही हैं। तो इसके पहले भी मैंने मंदिर का व्यू और पूजा का रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, आज मैं फिर कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का मन नहीं भरा था उस वीडियो को देखने के बाद, तो आज मैं डिटेल में दे रही हूँ। फिर भी थोड़ा डिटेल मैंने यहाँ नहीं शेयर किया है। तो ये है मेरे सत्यनारायण जी का तस्वीर, और ये भी मतलब इनके लिए भी मेरी बहुत आस्था, बहुत ही विश्वास है। तो मेरा बस यह पूजा हो चुका है, मैंने 40 आरती वगैरह कर लिया है, अब मैं चलूँगी बाहर। बाहर जो मैंने अभी आपको तुलसी जी के दर्शन करवाए थे, तो बाहर खिड़की के जस्ट बाहर हमने तुलसी और दुर्वा और समी का पौधा लगा रखा है, मैं प्रतिदिन उसकी भी पूजा करती हूँ, और साथ में सूर्य नारायण को अर्घ भी देती हूँ। तो बस लास्ट में वही मुझे करना है। तो अर्घ देने के बाद मतलब फिर मैं उसके बाद किचन में लग जाती हूँ, और जब कभी लाइव करती हूँ तो लाइव आ जाती हूँ मैं 7 बजे तक। तो बस 7 बजे तक मुझे अपना पूजा फिनिश करना होता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ गाइस थोड़ी देर बाद, आप लोग तब तक एंजॉय कीजिए मेरे मंदिर को, और आप लोग बताइएगा कि मंदिर हमारा कैसा लगा। अगर आप लोगों की कसौटी पे मैं खरी उतरी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। ये मेरे हैं बाकी बिहारी और राधा रानी बरसाने वाली, यहाँ गौ माता हैं, ये लड्डू गोपाल हैं। तो ये आप देखिए, इनको मैंने इस तरीके से सुसज्जित करके विराजमान किया है। तो बस एक छोटा सा मंदिर का व्यू मेरा यही है, और इसमें कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स करके। तो गाइस आप लोग एंजॉय कीजिए मंदिर को, और मैं आशा करती हूँ कि आज का ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आएगा। जो भी सुझाव हो मुझे प्लीज़ आप लोग बताइएगा, मैं वेट करूँगी आप सभी का। तो गाइस अब मैं यहाँ आ गई हूँ बाहर, तो ये मैंने सारा व्यू मंदिर का आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो गाइज मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिएगा, और मुझे कमेंट्स करके बताना मत भूलिएगा।